अगर आप मीरा रोड में ऐसे घर देख रहे हैं जिसमें 24 आवर्स वाटर हो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो यानी OC हो, BMC का वाटर हो 24 आवर्स, और बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है, रेडी टू मूव, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, करीबन मार्केट प्राइस से 10 से 15 लाख रुपया कम है इसकी प्राइस, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK का फ्लैट विद पार्किंग, साथ ही साथ 10-15 से 16 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क किया हुआ है इसमें, और अभी पूरा न्यूली किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अभी जो झलकियाँ देखा है उसको तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए आप पूरे डिटेल में जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। इसका प्लस पॉइंट बता दूं, ये फ्लैट को सूट करने के पीछे वजह क्या है कि उन्होंने प्रॉपर्टी आगे खरीदा है, वहाँ पे इनको पेमेंट करना है कुछ, तो ये मार्केट प्राइस से 10 से 15 लाख रुपए कम में अर्जेंट में सेल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि ये इसका एक सेफ्टी डोर बनाया है बाहर से, खूबसूरत डिज़ाइन है, वुडन फिनिशिंग में इन्होंने काम किया हुआ है। इसके बाद ये इसका मेन डोर है, ये इसका मेन डोर है, उसके बाद फॉल सीलिंग और LED बल्ब्स, फैन, झूमर, ये सारा कुछ इन्होंने अपने हैंड से लगाया हुआ है। इस तरफ आपको सोफ़ा, साथ ही साथ TV यूनिट एरिया, नीचे स्टोरेज के लिए ड्रावर्स, और इस तरफ करीबन आपको 2 फुट का बालकनी मिल रहा है, और इधर ग्राउंड साइड इसका ओपन व्यू है, वेस्ट ओपन व्यू है, यहाँ से हवा और उजास यानी सनलाइट और एयर आपको हमेशा साल के 10 महीने 8-9 महीने तक मिलता रहता है, वेस्ट ओपन जितने फ्लैट्स होते हैं उसमें। और एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ आपको डाइनिंग टेबल है, और सारा जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाएगा, खाली ये TV और फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये लेके जाएंगे। और बता दूं, यहाँ पे जो उन्होंने AC इंस्टॉल करवाया है उसके लिए एक सेपरेट डोर बनवाया है इन्होंने TV यूनिट के पीछे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो जनरली कहीं पे देखने को बहुत कम मिलता है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जब आप हॉल से अंदर आते हैं तो, और जिसमें आपको कमोड, वॉश मशीन और बाथ एरिया दिया हुआ है, और आगे स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़ा जगह दिया हुआ है। इन्होंने कुछ सामान रखा है, आप अपने हिसाब से स्टोरेज कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने किचन, मॉड्यूलर किचन कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है, वाइट और लाइट मरून कलर का इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है मॉड्यूलर किचन का, चिमनी ऊपर, स्टोरेज, फॉल सीलिंग, LED फैंस, सब कुछ ये करके दे रहे हैं। बाहर एक 4 फुट का आपको ड्राई एरिया दिया हुआ है, बालकनी समझ सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन और वाटर कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ, यहाँ पे ये समझ लें आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको बना बनाया मिल रहा है। करीबन 10 से 15 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क किया हुआ है जो यहाँ पे आपको करा कराया मिल रहा है, आपको ना टाइम देना है ना पैसे खर्च करना है। और अभी जो मैं प्राइस बताऊंगा उसके आप खुश हो जाएंगे। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस है, एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो पूरा पैसेज है, पैसेज में एक एक्स्ट्रा कबर्ड का एरिया दिया हुआ है, आप देखें वार्डरोब का एरिया दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मंदिर डिजाइन किया है, स्टोरेज डिजाइन किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज डिजाइन किया हुआ है, वार्डरोब बनाया हुआ है 2 से 2.5 फुट डेप्थ का। तो ये आप यहाँ पे भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा है एज इट इज़ वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। पैसेज में भी फॉल सीलिंग, लाइट्स वगैरह इन्होंने काम किया हुआ है। अब इसका चलते हैं कॉमन बेडरूम देखते हैं, कॉमन बेडरूम किस टाइप का है। ये हम आ गए हैं कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम में भी इस तरफ इन्होंने सोफ़ा कम बेड रखा है, बाहर 2 फुट से 3 फुट की बालकनी है जहाँ पर इन्होंने प्लांटिंग किया हुआ है, एक बार आप देख लें। और सामने वैसे ही वेस्ट ओपन व्यू है इसका, सनसेट के साइड का ओपन व्यू है। और एक बार बता दूं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इनविजिबल ग्रिल्स है, और ये इनविजिबल ग्रिल्स आज के डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये, और सारे घर में लगाया जा रहा है। इससे क्या है कि ब्लॉक नहीं होता है व्यू,
तो ये सारे रूम्स में इसमें है, दोनों बेडरूम और हॉल और किचन सब जगह इन्होंने ये इनविजिबल ग्रिल्स का प्रोविज़न किया हुआ है, जो आज के डेट में बहुत चलन में है, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। विंडो के साइड से आप देखें तो ये सोफ़ा कम बेड प्लस यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए कंप्यूटर टेबल बनाया हुआ है इन्होंने, तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें ऊपर स्टोरेज बनाया हुआ है फर्नीचर में, बहुत ही बढ़िया, जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं कैसा है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है, और एक बार मैं अंदर से आपको व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग, लाइट, फैन, एलईडी बल्ब्स, पेंटिंग्स, बेड, ये सब आपको एज इट इज मिलेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं 4 फुट की बालकनी है, जो बड़ी बालकनी है। यहाँ पे ऊपर इन्होंने कपड़े सुखाने के लिए जो हैंगिंग यूज़ किया हुआ है, जो ऊपर नीचे करने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए ऊपर नीचे करना है, वैसा सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी इनविजिबल ग्रिल्स लगाया है इन्होंने, इस ये भी पूरा वेस्ट ओपन आपको मिल रहा है। कुछ प्लांटिंग भी किया हुआ है और यहाँ से आपको ईस्ट वेस्ट दोनों साइड ओपन मिल रहा है। विंडो के साइड से एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि वार्डरोब का डिज़ाइन जो बना हुआ है बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी रिजेक्ट करने लायक नहीं है, ऐसा भी कलर नहीं है जो आंखों में चुभे, सिंपल डिसेंट सोबर कलर इन्होंने यूज़ किया हुआ है बेड का, वार्डरोब का, तो आप इजीली इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल वार्डरोब में ही दिया हुआ है, और ये देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट डेप्थ इसका वार्डरोब का है। और एक बार मैं अंदर के साइड से आपको पूरा फ्लैट शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि अंदर के साइड से कैसा व्यू पूरे फ्लैट का बन रहा है। ये पूरे हॉल तक का मैंने दिखाया, अब इसका पैसेज दिखा दें आपको। ये इसका पूरा पैसेज है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट है इस पे। ये देख सकते हैं 1 लिफ्ट, 2 लिफ्ट और लास्ट में 1 लिफ्ट दिया हुआ है। 3 हाई स्पीड लिफ्ट है, और इस तरफ 1 स्टेयरकेस और इस तरफ 2 स्टेयरकेस है। अभी जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया ना, फुली फर्निश्ड 2 BHK का, उसके साथ में ये इसका पार्किंग है, जहाँ पे ये गाड़ी भी उनकी ही खड़ी है, ओनर की ही गाड़ी खड़ी है। ये आप देख सकते हैं पार्किंग इतना बड़ा है कि 1 4-व्हीलर कार के साथ पीछे 1 से 2 बाइक पार्क हो सकता है, इतना बड़ा इसका पूरा पार्किंग कवर किया हुआ है। ये पूरा इसका पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरा इसका मेन रोड है, जहाँ पे ये बिल्डिंग बना है, पूरा बैक साइड का ओपन व्यू है। मैं अभी आपको सेकंड फ्लोर से दिखा रहा हूँ, JP का ये एलिवेशन है। यहाँ से आपको मिल रहा है टर्फ और क्लब हाउस का व्यू। यहाँ से आपको ह्यूज बिग साइज स्विमिंग पूल, ये इसका मेन रोड है JP के बाहर का, और इस तरफ इसका एंट्री है। देखें एंट्री कितना शानदार खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने हॉर्सेस के डिज़ाइन के साथ साथ। अभी मैं आपको JP इंफ्रा के बाहर खड़ा होकर, इसका मेन एंट्रेंस है ये, और ये मेन रोड दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको शॉपिंग वगैरह के आसपास में है। इधर आप देखें वेजिटेबल मार्केट वगैरह, फ्रूट मार्केट वगैरह आसपास में ही है, और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस तरफ आपको सारा शॉपिंग मिल जाता है, दुकानें वगैरह सब आसपास में ही अवेलेबल है। VMJP इंफ्रा के अंदर एंट्री कर रहे हैं,
और यहाँ पे जो इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न किया हुआ है। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर बनाया हुआ है, वाइट मार्बल और कार्वी में डिज़ाइन किया हुआ है, और सामने क्लब हाउस किया हुआ है, क्लब हाउस के नीचे जस्ट स्विमिंग पूल, बरिस्टा कैफ़े। एट्रिया का एलिवेशन है जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया है वो। ये बैक साइड का एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए है, और दूसरा जो मैंने हॉर्सेस वाला गेट दिखाया है, घोड़े वाला, वो फ्रंट साइड का एंट्री और एग्जिट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक साइड से जब आप बाहर निकलते हैं तो सामने जस्ट हाईवे पे ही निकलते हैं। ये मैं अभी अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहा हूँ और वहीं से शूट करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे जेपी का ही एलिवेशन, और नीचे दुकानें हैं, सब टाइप की दुकानें, आपको सुपर स्टोर वगैरह, कैफ़े वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, हर तरह की मेडिकल हॉस्पिटल सब आपको मिल जाता है। जेपी एट्रिया का यही बिल्डिंग है, और इसके बगल में ही पोदार इंटरनेशनल स्कूल मिल जाता है, जो इंटरनेशनल स्कूल है, हर जगह पे इसके बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। ये तो मैंने पूरा फ्लैट का डिटेल दिया आपको, आइए अब साइजिंग, प्राइजिंग, कॉन्फिग्रेशन वगैरह सारा कुछ समझते हैं इसी वीडियो में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders, with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavad. Abhi jo maine flat aapko dikhaya hai na, JP Infra Atria mein, 2 BHK ka jo fully furnished flat hai with parking. ये मैं वीडियो इसलिए बनाया कि इसका तो सस्ता है ये, इसका कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बता दूं। ये विनय नगर मीरा रोड ईस्ट में आता है, ये जेपी नॉर्थ पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो जेपी इंफ्रा का 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड है यहाँ पे, इन्होंने कई फेज़ में डिवाइड किया हुआ है, 4 से 5 फेज़ में, जिसमें एक फेज़ है करीबन 10 से 15 एकड़ का, जिसमें इन्होंने अलग 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 8 से 10 बिल्डिंगें बनाया है। एक बिल्डिंग जिसमें है एट्रिया, जेपी नॉर्थ एट्रिया इस प्रोजेक्ट का नाम है, 23-23 माले का टावर है, 2 से 3 विंग की सोसाइटी है पूरी, ये एक फ्लोर पे 6 से 7 फ्लैट है, और ये जो फ्लैट मैं बता रहा हूँ 2 BHK का, 580 यानी कि 580 स्क्वायर फुट इसका प्योर कारपेट एरिया है, प्लस बालकनी इसमें दिया हुआ है लगभग 70-80 स्क्वायर फुट का, तो इसका पूरा यूजेबल कारपेट एरिया हो जाता है 670 स्क्वायर फुट, तो ये इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। और इसमें जो इंटीरियर वर्क किया हुआ है, करीबन 15 से 16 लाख रुपए का इंटीरियर वर्क किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने आपने जो पार्किंग देखा, वो पार्किंग की वैल्यू भी 7 से 8 लाख रुपए की है, जो फ्लैट के साथ में ही रहेगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। एमिनिटीज़ तो आप देख ही चुके हैं, सारा कुछ एमिनिटीज़ है इसमें, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, जेक्यूजी, सोना कबाना, कैफे एरिया, लाइब्रेरी दिया हुआ है, वेटिंग एरिया दिया हुआ है, सारा एमिनिटीज़ यहाँ पे जेपी वालों ने प्रोवाइड किया है यहाँ के रहने वाले यूजर्स के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है मिडिल फ्लोर पे है, 23 माले का बिल्डिंग है और मिडिल फ्लोर पे ये प्रॉपर्टी बनाया है, G+2 इसका पार्किंग है, पूरे पोडियम पार्किंग है इसका, यहाँ पे गैस पाइपलाइन, 24 आवर्स MBMC का वाटर है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया हुआ है, टोटल डॉक्यूमेंटेशन और फैसिलिटीज बिल्कुल कम्प्लीट है, यहाँ पे कोई भी ऐसी कमी निकालने लायक नहीं है, क्योंकि रीसेल का फ्लैट है, कंप्लीट ओसी के साथ ये आपको मिलने वाला है। व्यू जो है यहाँ से वेस्ट ओपन व्यू है, जो मैंने ड्यूरिंग वीडियो आपको बताया है। लोकैलिटी ज़्यादातर यहाँ पे देखें तो 80-90% टोटल हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, अदर कास्ट भी है बट 80-90% यहाँ पे हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं। बिल्डिंग की एज 2 से 3 साल पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है बिल्कुल देखें तो। ये मीरा रोड ईस्ट में विनय नगर एरिया में आता है, जो हाईवे से हार्डली वॉकिंग 1 से 2 मिनट का रास्ता है, यह हाईवे से भी इसका डायरेक्ट एंट्री है बैक साइड वाला, और फ्रंट साइड की जो एंट्री है वहाँ से आपको 3 से 4 मिनट का वॉकिंग आना पड़ता है। अब यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर साइज और प्राइजिंग पे आऊँगा। 2 से 10 मिनट के अंदर आप मधुसूदन ग्लोबल स्कूल, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, नॉर्थ रेस्टोरेंट, पाली विलेज, हटकेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ऐसे ये सब जो डेली यूज की चीजें हैं ना, ये बिल्डिंग के नीचे ही जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ से मॉल और थिएटर की बात करूँ, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, PVR सिनेमा, सिनेमैक्स, ये सब आप 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे रीच कर जाते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से आप आधे से पौने घंटे पे रीच कर जाते हैं। ये बिल्कुल
आसपास में चीज़ें ही अवेलेबल है और बहुत ही ग्रो कर रहा है। यहाँ पे प्राइजिंग प्रॉपर्टीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये प्राइजिंग की बात करूँ, इसका मैंने कहा कि 670 स्क्वायर फुट के आसपास इसका यूजेबल कारपेट एरिया है, 580 इसका रेरा कारपेट है इंटरनल फ्लैट का। प्राइजिंग दोस्तों यहाँ पे जनरली 1,25,30,00,000 रुपये का प्राइजिंग है, इतना जब कुछ बना के देते हैं। लेकिन इनको अभी प्रॉपर्टी सेल करना है, सामने प्रॉपर्टी लिया हुआ है, वहाँ उनको पेमेंट करना है और डिमांड पे डिमांड आ रहा है। इसके हिसाब से इनको 1,05,00,000 रुपए में पार्किंग, इंटीरियर फर्निश्ड एंड फ्लैट, ये तीनों देना है। 1,05,00,000 रुपए इनका फाइनल प्राइस है। और बैठ के बात कर सकते हैं, अगर आपके पास फास्ट पेमेंट है तो कुछ 25,000-50,000 के लिए बात कर सकते हैं, वो मीटिंग में जो होगा वो फाइनल करेंगे। आज के वीडियो में जो मैंने जेपी नॉर्थ के फ्लैट का एट्रिया का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बस इतना ही। इस तरह के नए प्रॉपर्टी जो अर्जेंट सेल पे, डिस्काउंट सेल पे रहता है, साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट जो डेवलपर लॉन्च करते हैं, कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, नई प्रॉपर्टी होती है, मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ, डेली का अपडेट आता रहता है। आप अगर घर बैठे ये सारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप उसका बेनिफिट घर बैठे ले पाएं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।